चलिए हम कर रहे हैं नदी पार। ये देखिए नदी का व्यू, पत्थर ही पत्थर हैं चारों ओर। नदी भाई पार है, नदी की धारा काफी ठीक ठाक चल रही है। हम यहाँ पे जंप लगा क्योंकि अभी बरसात का मौसम अभी हाल हुआ है खत्म, जिस कारण से ये आ गए हैं अपन मेन नदी नो मुख्य नदी धारा नो। ये देखिए पीछे छोटी छोटी मछली भी हैं लेकिन वे आपको दिखेंगी नहीं। ये देखिए भाई अब हमारा नहाने का प्लान, अब प्लान सक्सेस होता है कि नहीं, कि नहाते हैं कि नहीं। चलो उतर उतर हम चल रहे हैं, उतर कपड़ा पाएंगे तो उतर नहा। हाँ चलो तो चलते हैं नहाने के लिए। प्लान अपना हो गया है कन्फर्म नहाने का। पहले की कोई गारंटी नहीं, हम दोनों में तैर कोई नहीं पाता भाई, हम तैर नहीं पाते लेकिन नहाने जा रहे हैं आपके लिए थोड़ा। अपन अब आ गए नदी की काफ़ी गहराइयों में। यहाँ पर नदी काफ़ी काफ़ी गहरी है और अपन यहाँ पर डूब भी सकते हैं। ये देखिए अब बीच नदी में आ गए हैं अपन, काफ़ी ठंडा पानी है। ये देखिए इधर हम मजा आ जाना, हमारा नहाने का प्लान बन चुका है, अब हम जा रहे हैं नहाने। देख तो नहीं जाए, काफी लंबे हो गए भाई हम। पानी का भाव बहुत ज्यादा है भाई, हम बह गए थे, ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ा। आपके लिए इतना रिस्क लेना पड़ा वरना हम नहीं ना। हम प्याज लेते हैं नहीं, पत्ता ठीक ठाक है ना लगे। पत्ता तो नहीं लगे तो मैं नहीं रख से लोग यार, तुम यूट्यूब की चक्कर। ये मैं क्यों ना उतरे, हमारा नहाना हो गया है, भल मज़ा आया भाई, भल एन्जॉयमेंट हुआ है हमारा। आपने वीडियो में तो देखा ही होगा भाई, मुझे तैरना नहीं आता और यहाँ पे एक छोटी सी कुंडी है जो काफ़ी गहरी है लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा नहीं है इसलिए मतलब डूब नहीं सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है तैरने का। और ये मेरा फ्रेंड है गाँव का धर्मेंद्र, जिसके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये देखिए व्यू नदी का, और यहाँ पर अभी लोग हम तैर रहे थे। यहाँ पीछे देखिए ये पुल है और इस साइड भी नदी है। कम से कम 10-15 मिनट हमने तैरा और अब थक गए हैं काफ़ी, इसलिए अपन नदी से बाहर आ गए हैं और थोड़ा पानी वगैरह सूख जाए, कपड़े वपड़े पहनते फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए कपड़े पहनते हैं उसके बाद दोबारा वीडियो बना फिर आते हैं दोबारा अपन। देखिए ये नदी का व्यू, आसमान देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ से आसमान देख कितना सही लग रहा है। देखिए जी आसमान कितना सुंदर लग रहा है। अभी समय हुआ है लगभग दोपहर के 1 बज रहा होगा ना, 1 बज रहा है लगभग। हम लोग आ गए थे यहाँ पर 12 बजे, 1 घंटे से घूम रहे हैं लगभग। और असली तैरने में मज़ा आता है यहाँ से, वो वहाँ दिख रहा है ना आपको,
वहाँ पर थोड़ा सा बांध टाइप का बना है, 200 मीटर दूर, ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 मीटर दूर। वहाँ तैरने में मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल भी अच्छा है और बहाव भी नहीं है वहाँ पर, और गहराई भी लिमिटेड है, मतलब हाई टाइप की गहराई है। जिसको ज़्यादा गहराई गहरे में तैरना है गहरे में तैर सकता है, कम गहराई में अभी तैर सकते हैं, और असली तैरना वहीं पर सीख सकते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पर पानी का बहाव नहीं है, इसलिए वहाँ पर तैर सकते हैं आराम से और सीख सकते हैं। यहाँ पर तैरना नहीं सीख सकते हैं, केवल आप टाइम पास कर सकते हैं यहाँ पर, जो ना अभी हम लोग कर रहे थे। और आप हमारे वहाँ पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, कई काफ़ी लोग नहा रहे हैं, काफ़ी नहीं लगभग एक दो। चलिए अब कपड़े पहनते हैं तो उसके बाद दोबारा वीडियो बनाते हैं। हाँ अब हम नहा धो के हो गए तैयार, अब निकल रहे हैं यहाँ से। संभल के चलो भाई, कह सकते हैं और नहाते नहाते हमें लग जाइए बहुत प्यास और भूख भी, और काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि आपको पता है जब नदी में तैरते हैं तो तैरते थक जाते हैं और भूख भी लग जाती है, इसलिए अब अपन निकल रहे हैं। और यहाँ यहीं पर पुल के आसपास है एक छोटी सी दुकान, जहाँ से कुछ खाने के लिए लेते हैं और वहीं पानी पीते हैं। अब हमें फिर से नदी पार करनी पड़ेगी। नहीं, अब नदी पार निकलनी पड़ेगी, एक रास्ता मिल गया है हमें, यहाँ से चल रहे हैं, तो जंगल टाइप का है, तो चलते हैं। और आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। देखिए इधर हम जा रहे हैं, यहाँ पर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि निकल जाए यहाँ पर, लेकिन निकल जाएंगे यार, मुश्किल है यार। कैमरा पकड़ाते हैं दोस्त को, निकलते हैं। अपन ने पार कर लिया है ये रास्ता, हम निकलते हैं यहाँ से। ये हमारे आगे पीछे का, ये हमारे आसपास का माहौल है जंगल टाइप का, अब निकलते हैं यहाँ से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो बस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो।